इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री के एक और मशहूर हस्ती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत अब भी बरकरार है, वहीं पूरे देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान देखा जाए तो माया नगरी मुंबई में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। आम जनता से लेकर टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, तो वही कई सेलिब्रिटीज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। हाल ही में एक और दुखद खबर सामने आई है। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण, जो कि अपने संगीत के लिए फेमस हैं, वहीं ये प्यारी सी जोड़ी अब टूट चुकी है। संगीतकार श्रवण राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि बीती रात श्रवण राठौड़ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे थे और गंभीर हालत होने के चलते उन्हें मुंबई के SL रहेजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उन्हें कई चिकित्सीय समस्याएं भी थीं, वह वेंटिलेटर पर थे। तो वहीं रहेजा हॉस्पिटल की डॉक्टर कीर्ति भूषण ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि श्रवण राठौड़ कोरोना महामारी के चलते मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि श्रवण राठौड़ को हृदय से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी थीं। डायबिटीज और कोरोना ने सेहत को बिगाड़ दिया था। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनके बेटे संजीव को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, क्योंकि वह भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए थे। म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ की उम्र 66 साल थी। श्रवण राठौड़ के दो बेटे हैं, संजीव और दर्शन। वहीं 90 के दशक की मशहूर जोड़ी नदीम और श्रवण की जोड़ी अब टूट चुकी है। नदीम और श्रवण की जोड़ी ने हिट फिल्मों में जैसे कि आशिकी, साजन, परदेश, सड़क, दिल है कि मानता नहीं में संगीत दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों के गाने भी गाए। लेकिन आज श्रवण राठौड़ हमारे बीच नहीं रहे हैं, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।